ভিন্ন এক পরিবেশে একেবারে ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 2010 সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ লেবাননে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করে আসছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, बांग्लादेश की नेवी लबनान जा रही है। जी हां, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि लबनान की ही हिजबुल्ला है जमात, और उसने थ्रेट किया हुआ है अमेरिका को, इसराइल को, अगर इसराइल ने अटैक किया गजा पट्टी पे, गजा सिटी को कैप्चर करने की कोशिश की, तो फिर हम अटैक कर देंगे इसराइल के ऊपर। तो इसको देखते ही देखते जब बांग्लादेश ने भी ऐलान किया कि हमारी जो बांग्लादेश की नेवी है व्यूअर्स, वो पीस फोर्स की सूरत में रूप में जा रही है लबनान के समंदरों में। जी हाँ, लबनान के सी को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, वहाँ के समंदर की हिफाजत के लिए जा रही है, वहाँ पर अमन लाने के लिए जा रही है। ये पीस फोर्स कीपिंग फोर्स होती है ना इसकी, यूनाइटेड नेशन की, उसकी तरफ से जा रही है। खैर, अच्छा, अब इसको लेकर के काफ़ी बातचीत हो रही है, क्या बांग्लादेश की नेवी लबनान की हिफाजत करने के लिए जा रही है? जी हाँ, लबनान के पानियों की हिफाजत करने के लिए जा रही है। क्या वो इसराइल अगर वहाँ पर हमला करता है गजा पर या लबनान के ऊपर कर देता है, क्योंकि हिजबुल्ला अगर अटैक कर देता है, तो क्या फिर वो लबनान की हिफाजत करेंगे और इसराइल के जो वहाँ पर बम आएंगे, मिसाइल फेंकेगा, या फिर इसराइल के खिलाफ फिर बांग्लादेश की नेवी कुछ करेगी? जी हाँ करेगी, उन्होंने कह दिया है। और इसके बारे में और भी बड़ी खबर निकल कर व्यूअर सामने आ रही है कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत कहती है, अगर हमारे जो नेवी के चीफ कहते हैं, तो फिर हम इससे भी बढ़कर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी देखें, जो यूनाइटेड नेशन है वो कठपुतली है, उसकी डोरियां अमेरिका हिलाता है, तो वो तो नहीं चाहेगा कि यूनाइटेड नेशन की जो ये पीस फोर्स है ये वहाँ पर जाके लड़े इसराइल के खिलाफ, यानी लबनान के हक में। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमें हुक्म आ जाता है वहीं पर ही, अगर हम वहाँ लबनान में हैं, लबनान के ऊपर हमला हो जाता है, हिजबुल्ला के ऊपर हमला हो जाता है, हमारी हुकूमत हमें कह देती है कि ठीक है भाई, आप लबनान के साथ मिल जाओ और इसराइल के खिलाफ शुरू हो जाओ, तो वो कह रहे हैं कि हम हो जाएंगे, हम इसराइल के खिलाफ कूदेंगे, लबनान की हिफाजत करेंगे, हमें किसी की कोई भी परवाह नहीं है। तो इसी के ऊपर व्यूवर्स वीडियो है, पहले हम वीडियो देखेंगे फिर उसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভিন্ন এক পরিবেশে একেবারে ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা। তাই তো দায়িত্ব পালনে দেশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার আহ্বান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 2010 সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ লেবাননে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করে আসছে। ভূমধ্য সাগরে মাল্টি ন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসেবে উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত রয়েছে। লেবাননের খুব কাছে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের অবস্থান। এই দুদেশের যুদ্ধ অবস্থায় লেবাননে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌ সদস্যরা যেন দেশের নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তের প্রতি অটল থাকার আহ্বান জানান নৌবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। তো জাতিসংঘকে রিপ্রেজেন্ট করতে গিয়ে আমরা ব্যক্তিগত যে মতামত বা যে ব্যক্তিগত যে অভিমত থাকবে, ওই অভিমতগুলো এখানে কোনোভাবেই আসবে না। আপনাকে এখানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে সেখানে রোল প্লে করতে হবে। আমাদের যেটা মেইন রোল ওখানে, সমুদ্র এলাকাটা নিরাপদ রাখা, আমাদের ভিতর দিয়ে কোনো অস্ত্র শস্ত্র কোনো ধরনের কিছু যাতে লেবাননে প্রবেশ না করে, এটাই হলো আমাদের ওখানকার মূল দায়িত্ব। নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রাম লেবাননের ভূখণ্ডে অবৈধ অস্ত্র এবং গোলাবারুদের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর পাশাপাশি জলসীমায় মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশন পরিচালনা, সন্দেহজনক জাহাজ ও এয়ারক্রাফটের উপর নজরদারি করছে। এই সঙ্গে দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজ উদ্ধারও ভূমিকা রাখছে নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রাম।
গত 14 বছরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অন্তত 6,500 সদস্য লেবাননে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করেছে। সবশেষ 7 অক্টোবর 35 জন সদস্য লেবাননে যোগ দিয়েছেন। কমল দে, সময় সংবাদ, চট্টগ্রাম। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी। बांग्लादेश की नेवी इस वक्त लेबनान जा रही है और वहाँ के समुद्रों की हिफाजत करने के लिए, और मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। जो लोगों को खदशा था, खतरा था, और ये जानना चाह रहे थे, जो लोगों के माइंड में ये बात आ रही थी कि वजह क्या है, लेबनान उस वक्त जा रही है फौज, और टाइमिंग बड़ी मखसूस होती है और ये मैटर करती है कि एक तरफ तो जनाब वहाँ पर बहुत ही हालात गंभीर हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश की जो नेवी है वो जा रही है। क्यों जा रही है भाई? उन्होंने बता दिया है कि हम तो पीस फोर्स के तौर पे जा रहे हैं। अगर यूनाइटेड नेशन उन्हें रोकेगा तो उन्होंने अपना जो स्टांस है वो भी बता दिया है कि अगर हमें रोकने की कोशिश की गई, एक तरफ तो इसराइल अगर बमबारी कर देता है, हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल गजा सिटी को कैप्चर करने की कोशिश करता है तो हम उसके ऊपर हमला कर देंगे, हम नहीं रुकेंगे, तो फिर वो उसके मुकाबले में, उसके बदले में वो क्या करेगा, यानी वो करेगा हमला लेबनान के ऊपर। तो लेबनान की हिफाजत के लिए तो वो जा रहे हैं। अगर वो पीस फोर्स को वापस बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत अगर कह देती है तो फिर तो हम तो भाई डट जाएंगे, हम तो लड़ेंगे, हम हथियार नहीं फेंकेंगे और हम अपने लबनानी भाइयों के लिए, फलस्तीनी भाइयों के लिए खड़े हो जाएंगे। ये कहना है जी बांग्लादेश की नेवी का। तो ये तो बड़ा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसको अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में अब अच्छा, एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो फलस्तीनी हैं या हिजबुल्ला हमास हैं, ये अजमियों की तरफ देख रहे हैं, साउथ एशियंस की तरफ देख रहे हैं, ना कि वो कतर की तरफ जाएं, ना कि वो सऊदी अरेबिया की तरफ देखें, उनको कहें कि आप हमारी मदद की के लिए आएं, ना वो कुवैत को कह रहे हैं, कतर को कह रहे हैं, वो इनको कह रहे हैं, बांग्लादेशियों को कह रहे हैं, पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि ये लोग हैं, यानी मलेशिया, इंडोनेशिया को कह रहे हैं और टर्की को कह रहे हैं कि आए, आप आए हमारी मदद के लिए। इन्होंने तो हमारी पीठ पे पहले ही छुरा घोंप दिया था, यानी ये तो ढीले मार रहे थे इसराइल के साथ, ये तो उसे तस्लीम करने जा रहे हैं। तो ये उनका ये ट्रस्ट उठ गया। अच्छा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्विटर के ऊपर बातचीत हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत हो रही है कि हमें एक और सैफुल आजम जैसा पायलट चाहिए जो बैतुल मक़दस की हिफाजत करे, जो फलस्तीनियों की हिफाजत करे। आपको भी फर्ज पता है ना, सैफुल आजम बांग्लादेशी पायलट, बड़ा नाम था उसका, और बांग्लादेश में ही पैदा हुए, वहीं उनको दफना दिया गया ढाका में, और जब वो गए थे तब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था ना, तब तो वो पाकिस्तानी ही कहलाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें सैफुल आजम जैसे पायलट की ज़रूरत है। तो इसके बारे में मैं आपको भी फर्ज बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा एहसान रिएक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।